ओम साई राम। हाय दोस्तों, आप कैसे हो? आशा करते हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्योंकि आज अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं अपने हस्बैंड कल सुबह सुबह टिफिन बना रही हूँ उनके लंच का, और नाश्ता बना रही हूँ। तो आज मैं बनियार्ड मिलेट्स का खिचड़ी बना रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को शेयर कर, तो इसलिए मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। देखिए मैं कैसे, ये थोड़ी सी मूंग दाल लेके इसको हल्का सा गरम करूँगी। इधर मैंने गैस पर कुकर चढ़ा दिया है क्योंकि थोड़ी जल्दी है, इसलिए इसको हल्का सा ही भुनना है, जो कि इसके जैसे गंध होते हैं ना, और इसका थोड़ा जैसे गैस भी बनती है इसे, तो भुनने से थोड़ा महकने लगे। अब इसमें मैं पानी डाल के बढ़िया से धो लूँगी। मैं ये गोभी काटी हूँ, मटर है, गाजर नहीं था तो बीन्स है, प्याज है, धनिया पत्ता है, और एक हरी मिर्च लूँगी, और कुछ ज़्यादा नहीं लूँगी। मैं इसमें घी डाल रही हूँ, 2 चम्मच घी डाला। इसमें थोड़ा सा जीरा, शाही जीरा डाला और थोड़ा सा हींग डाल के चल रहे हैं। इसके बाद हम प्याज, अदरक डाल के हल्का सा प्याज और ये इसे भून लूँगी। साथ में थोड़ा गोभी डालूंगी, बीन्स डालूंगी, ये सब धो के रखा हुआ था, और ये मटर भी डालूंगी साथ में। और हल्का सा छोटे टाइप पका लूंगी, ज़्यादा भूनना नहीं है। और देखिए दोस्तों, मैंने एक कटोरी मिलेट्स साथ में ही इसको भिंगो दिया था और 2-3 पानी से धो के रखा था। ये पानी मैं फेंकूँगी नहीं, इसी पानी से मैं बनाऊँगी। और मैं अभी इसे छान लेती हूँ। इसमें मैं बनियार डाल दिया और इसको मैं इसके साथ ही भूनूंगी थोड़ी देर। भूनने से क्या होगी दोस्तों, कि जो मैंने घी डाला है वो बनियार में घी का फ्लेवर आ जाए। तब तक मैं इस दाल को भी लूंगी, थोड़ी सी हल्दी डालूंगी। मैंने मिर्च नहीं डाला था इसलिए थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी, हल्का सा नमक। ये भी नमक दोस्तों बीपी वाली नमक है, आयोडीन वाला नमक नहीं। और साथ में मैं ये जो मूंग दाल धो के रखी थी मैंने डाल दिया। देखिए दोस्तों इसकी कलर, अब इसमें सारी चीज़ें पड़ गए हैं। अब इसमें जिस कटोरी से मैंने बनियार्ड लिया था उसी कटोरी से, जैसे एक कटोरी बनियार्ड था तो मैं जो सोख किया था पानी उसी पानी को डाल रही हूँ। उससे मैं 4 कटोरी डाल दिया।
धनिया पत्ता डाल दे रहे हो, थोड़ा सा गार्निश के लिए रखते हैं, और एक सीटी लगा दूँ। देखिए दोस्तों मेरी खिचड़ी बनके तैयार हो गई। मैं थोड़ा इसे मिला देती हूँ कि दाल जो होगी थोड़ा साथ में ही हो जाएगा, थोड़ा गाढ़ा है तो थोड़ा मैं इसमें गर्म पानी करके डालूँगी। देखिए क्योंकि और ठंडा होने पर थोड़ा गाढ़ा और हो जाएगा। देखिए कितनी अच्छी मेरी खिचड़ी बन गई सर। देखिए अभी मैं सर्व करती हूँ तो आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए मैं इनका मंच पैक कर रही हूँ। ठीक है ना, इसके ऊपर थोड़ा इसे मैं धनिया पत्ता डाल दिया और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक, लंबा लंबा अदरक काट के डाले तो अच्छा है। अभी सुबह का समय है तो मैं इसे कद्दूकस करके ही इसे डाल दिया और ऊपर से एक चम्मच घी। इनके लंच में ये एक बकेट मखाना जा रही है, सैलेड में खीरा, पनीर देते हैं लेकिन आज सैटरडे है तो सैटरडे के दिन ये हाफ बेला ही रहेंगे, आ जाएंगे तो इनको 4 बजे हम लोग पनीर देंगे। तो ये इनका लंच बॉक्स तैयार हो गया दोस्तों। देखिए अगर ये रेसिपी आप लोगों का मिलेट्स की रेसिपी अच्छा लगे तो मेरे चैनल जिंदगी विद सुशीला पर जाके सब्सक्राइब करें और आप लोग भी बनाएं, इसे बहुत हेल्दी रेसिपी है, और लाइक एंड शेयर करें। बाय बाय दोस्तों, जहाँ भी रहें खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। बाय दोस्तों।